शंकर नाम के आदमी को जानते हो? जी हाँ, वो देखे सामने बैठे हैं। शंकर कौन है आप? मुझे लोग डीके के नाम से जानते हैं। ओ, तो मेरा नाम भी जानते हो? नाम भी जानता हूं और काम भी, इसीलिए तो मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह तुम्हारे पास चला आया। ओ समझा, जुर्म के जिन नागों से लड़ता आया हूं, कहीं तुम उनके नागराज तो नहीं? बिल्कुल ठीक पहचाना है तुमने मुझे, लेकिन हम तुम्हें यहां घायल करने नहीं आए हैं। यूं समझ लो हम ही तुम्हारे घावों के मलहम हैं, हमसे हाथ मिला लो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सारे घाव भर जाएंगे। हो समझा, गहरी दुश्मनी के बाद होने वाली गहरी दोस्ती के नाम पर नजराना चाहते हो? ये लो। शंकर को खरीदने आए हो? भाई ये तो अपने अपने सोचने का अंदाज है, यूं समझ लो या तो हम बिक गए या तुम खरीदे गए। ओ समझा, एक रुपया है आपके पास? रुपया? हाँ अब्दुल, एक ग्लास दूध लाना। लाए शंकर भैया। आओ तो तेरे को दूध पिलाते हैं। ये ले दूध पी ले, पीले पीले पीले। अरे सेठ के दिए हुए रुपए का दूध है, पीले। अरे पीले पीले, अरे पीले पीले। नहीं पीता। देखा सेठ, तुम्हारे पैसे के दिए हुए दूध को कुत्ते ने भी पीने से इनकार कर दिया। फिर शंकर तो इंसान है। इंसानियत का सबक तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया शंकर, मगर याद रखना ये हिसाब मेरे किताब में बाकी रह गया है। ये एक रुपए का हिसाब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। सेठ, इस बस्ती में सबसे महंगी और भारी चीज शंकर है, और इससे पहले कि आपकी गाड़ी के शीशे दरवाजे टायर वगैरह निकालकर उसे भी हल्का कर दिया जाए, आप इस बस्ती से निकल जाइए, वरना आपकी अर्थी निकलने के चांस हैं। ये गरीब कौम बड़ी खतरनाक होती है। जाइए।